संघ के अध्यक्ष राकेश मिश्रा के नेतृत्व में सरसैया घाट चौराहे के सैकड़ों अभिभावक संघ ने हाथों में मचाल, घंटा, घड़ियाल, थाली, चम्मच, ढोल, नगाड़े, बांसुरी के साथ पैदल मार्च निकालकर डीएम आवास पहुंचकर प्रदर्शन कर विरोध जताया। अभिभावक संघ अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं, अभिभावक फीस को लेकर काफी परेशान है, कईयों ने आत्महत्या भी कर ली है, निजी स्कूल बराबर अभिभावकों पर फीस को लेकर दबाव बना रहे हैं। वहीं सभी अभिभावक संघ के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी आवास पर सो रहे डीएम को कुंभकर्णी रूप से नींद की फीस माफी के मुद्दे पर रात्रि से हल्ला बोलकर हाथों में मचाल लेकर प्रदर्शन किया। अध्यक्ष अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक महासंघ हम लोगों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को कई बार ज्ञापन देने के उपरांत भी दिन में वो जग न सके, तो आज हमने रात्रि में जिलाधिकारी महोदय श्री आलोक तिवारी जी को जागृत करने का प्रयास किया हुआ है। अपने हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से हमने ढोल, नगाड़े, थाली, चम्मच सबसे उनको जागृत करने का प्रयास किया हुआ है। यहाँ रोम जल रहा है, आलोक तिवारी जी नीरो की भांति बंसी बजा रहे हैं। रायबरेली में धोखाधड़ी के मामले में रुकने का नाम